नोएडा एक ऐसा शहर जिसे उत्तर प्रदेश के एडवांस शहरों में गिना जाता है, लेकिन इस शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि है पार्किंग की समस्या। यहाँ पार्किंग को लेकर आए दिन नए नए विवाद सामने आते रहते हैं, लोग आपस में लड़ते दिखाई देते हैं और लोगों का कहना है कि पार्किंग में उन्हें इतनी समस्या होती है और उन्हें जगह खाली भी नहीं मिलती है, जिसके चक्कर में उनका समय बर्बाद होता है। इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और आपको बता दें, आज के दिन नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी के द्वारा एक ऐप का लॉन्च किया गया, और इस ऐप के माध्यम से आप अपने व्हीकल की पार्किंग के लिए एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। आपको ऐप में जाना होगा, वहां पे रजिस्टर कराना होगा, अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा। आपको सारी डिटेल है ऐप पर शो कर दी जाएंगी और उसके माध्यम से आप अपने व्हीकल की पार्किंग स्लॉट बुक करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा, आपको किचकिच का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे जाके अपनी गाड़ी, अपनी कार जो भी है पार्क कर सकते हैं। ऐप पर जाकर कैसे रजिस्टर कराना है और कैसे अपने व्हीकल का स्लॉट बुक करना है, ये खुद जानिए नोएडा अथॉरिटी की CEO मैम रितु माहेश्वरी से, उन्हीं की जुबानी। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने अपनी मल्टी लेवल पार्किंग है उनको ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम आज लॉन्च किया है। सबसे पहले जिस कंपनी ने इस इनिशिएटिव को आज नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके लॉन्च कराया है, कंपनी का फॉरगॉटन द नेम, पार्डन, पार्क स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ ने अपने CSR इनिशिएटिव में नोएडा अथॉरिटी को इस एफर्ट में सपोर्ट किया है, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम। और इस इनिशिएटिव में ये लोग ऑलरेडी कुछ जगह काम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, अब गवर्नमेंट सेक्टर में नोएडा में इन्होंने ये पहला प्रोजेक्ट लिया है। और इसमें हमारी ये जो 6 पार्किंग्स हैं, मल्टी लेवल पार्किंग जो बताई जा रही हैं, इनमें कुल मिला के लगभग 10,000 से 12,000 फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स का पार्किंग लॉट है। और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमने वहाँ मैन पावर डिप्लॉय कर रखी है, नोएडा अथॉरिटी इनको चलाती है। चल ही गया होगा कि कैसे ऐप में जाकर अपना स्लॉट बुक करना है, कैसे पार्किंग के लिए एडवांस बुकिंग करनी है। खैर, आपके व्हीकल की जो पार्किंग की समस्या है वो उसके माध्यम से सॉल्व होगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, ट्रायल बेसिस पर ये किया जा रहा है। आपके जो भी सुझाव हो इस जानकारी को लेकर, इस ऐप को लेकर, आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेघा गंगवार, वी नेशन न्यूज़, नोएडा।